उत्तराखंड की देवभूमि को और हमारे देश के लिए बलिदान करने वाली ये वीरों की भूमि है। इस भूमि को दुनिया का सबसे आदर्श ऐसा सुखी समृद्ध संपन्न राज्य बनाने का एक संकल्प आज हमारे पार्टी ने इसमें किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत चौफेर विकास हो रहा है। हमारे इस दृष्टि पत्र पर मैं जब चर्चा कर रहा था तो मुझे ब्रीफिंग कर रहे थे तो मुझे ध्यान में आया कि इसके तीन इम्पोर्टेंट पिलर हैं। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक है इथिक्स, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये तीन ई का बहुत ही एप्रोप्रिएट विजन इस दृष्टि पत्र में आया है। पहली बात तो हमारी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमने नमामि गंगा में गंगा को अविरल निर्मल बनाने के साथ साथ मोक्षधाम बनाए, घाट बनाए। अभी 12,500 करोड़ की योजना है, 825 किलोमीटर की, 563 किलोमीटर सड़क पूरी हुई, पूरा नया रोड बना है। आप सब उसी का उपयोग करते हैं और आज मुझे बताते हो आपको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जिस बात की इस दृष्टि पत्र में उल्लेख किया निशेन जी आपने, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति दिलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए आज मैं आपके सामने बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि हमने ऑलरेडी ऐसा निर्णय किया है कि भले सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद में भी हम एक भी पेड़ काटेंगे नहीं, हम 100% पेड़ ट्रांसप्लांट करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ उत्तराखंड की जनता को कि हमारे नौजवान मुख्यमंत्री एक नई भविष्य की विजन दृष्टि पत्र लेकर आए हैं जो उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाली बात है। आपका प्रेम और सहकार्य सौहार्द मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और इन सब मंच पर बैठे हुए प्रमुख नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सबको अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार आशीर्वाद मिलेगा तो जो 50 साल में हुआ उससे कई गुना ज़्यादा ये सब बातें जो मैंने कही ये दृष्टिक्षेप में है और ये दृष्टि पत्र उन बातों को पूरा करेगा और देवभूमि का विकास करने का जो हमारा संकल्प है उसको आप लोगों के आशीर्वाद दीजिए।